जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन, इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशंस देखी थी, परिभाषाएं देखी थी। सर्कुलर मोशन में एंगल का बड़ा महत्व है। आज हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, डिटेल में, बहुत विस्तार से। एंगुलर डेफिनेशन तो बता दी थी कि डी थीटा बाई डी टी या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लेकिन बहुत डिटेल में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में जो जो जानकारी निकल सकती है वो सब निकालने की कोशिश करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में क्या क्या बातें निकल सकती हैं? एक तो ये है भाई कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ओमेगा वेरिएबल होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि भाई चीजें बदल रही हैं, तो ओमेगा वेरिएबल होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस केस में ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होगा, ओमेगा बदलेगा नहीं। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जैसे हमारे पास ओमेगा आया था डी थीटा बाई डी टी था। अगर मोशन यूनिफॉर्म है, इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म है तो डी थीटा बाई डी टी जो है, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स सेम ही होगा। तो ओमेगा जो है वो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अभी मान लो कि कोई पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड, मानी यहां से चलता है और यहां से यहां तक आने में टाइम कैपिटल टी लेता है, मान लेते हैं टाइम पीरियड टाइप कैपिटल टी है, तो उसका ओमेगा जो हो जाएगा, क्योंकि जब यहां से चलेगा और यहीं पहुंच जाएगा तो जो एंगल घूमेगा वो टू पाई होगा, और यहां से यहां तक जाकर के आने का जो टाइम होगा वो टी के बराबर होगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ओमेगा जो आएगा वो 2 पाई बाई कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी हो जाएगा, जहां टी जो है वो टाइम पीरियड है, जितने टाइम वो एक चक्कर पूरा करेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ओमेगा 2 पाई बाई टी होगा। अब जैसे धरती जो है, आपसे कहा जाए भाई उसका ओमेगा बताओ, तो धरती अपनी एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, तो अगर मुझे उसका ओमेगा निकालना है तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो धरती के जो रोटेशन का टाइम पीरियड हो कितना होता है, 24 घंटे होता है, तो 2 पाई बाई अपॉन 24 आवर्स, ये धरती का ओमेगा हो जाएगा। हम अगर ऐसा माने कि धरती सूरज के चारों ओर सर्कल में घूम रही है तो उसका जो ओमेगा होगा वो 2 पाई बाई 365 डेज हो जाएगा। हम अगर जो घड़ी होती है हमारे घरों में, जो दीवार घड़ी होती है या जो भी घड़ी हाथ में पहनते हैं हम लोग, इसमें सेकंड वाले कांटे का ओमेगा निकालना चाहें तो सेकंड वाला जो कांटा है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड। तो अगर मैं उसका ओमेगा निकालना चाहता हूं तो उसका आ जाएगा ओमेगा 2 पाई बाई 60। मिनट वाले कांटे का मैं निकालना चाहता हूं तो मिनट वाले कांटे का टाइम पीरियड जो होता है वो एक घंटा होता है, एक घंटे में चक्कर वो पूरा काटता है या 60 मिनट में, तो मिनट वाले कांटे का ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई 60। आवर हैंड का अगर ओमेगा निकालना चाहूं तो आवर हैंड 12 घंटे में एक चक्कर काटता है तो उसका ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई 12। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन के अंदर हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा की जो वैल्यू है उसको हम लोग अलग अलग सिचुएशंस के अंदर निकाल सकते हैं। खैर, तो ये ओमेगा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कॉन्स्टेंट ओमेगा से जा रहा है, तो ओमेगा 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। उसके अलावा एक और टर्म बार बार इस्तेमाल किया जाता है, रिवोल्यूशंस पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, ये फिजिक्स में बार बार आता है, तो इसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेंगे। इसे हम आरपीएम बोलते हैं। ओमेगा जो रिवोल्यूशन पर मिनट जो है इसे आरपीएम बोलते हैं। और कभी भी आप जैसे कोई फैन अगर खरीद के ले जाएं तो फैन का जो बॉक्स होता है जिसके अंदर वो फैन रखा होता है, उसमें फैन का ओमेगा हमेशा या आरपीएम हमेशा लिखा रहता है। जैसे जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं उनका आरपीएम ज्यादा होता है, 1500, 1600, 2000 आरपीएम होता है। जो घरों में नॉर्मल जो पंखे होते हैं उनमें 600, 700, 800 आरपीएम होता है। तो आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, एक मिनट में जितने रिवोल्यूशन। तो अब अगर एक मिनट में रिवोल्यूशन मान लेते हैं, आरपीएम जो है वो रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो देखो मैं ऐसे करने जा रहा हूं, 60 सेकंड में कितना एंगल घूमेगा, ये आरपीएम तो चक्कर है, आरपीएम जो है चक्कर है, मान लेते हैं उसका आरपीएम आरपीएम के बराबर है, तो ये एंगल जो घूमेगा वो इतना घूमेगा। ठीक है, जितने एक चक्कर में 2 पाई एंगल होता है ना,
एक चक्कर में टू पाई एंगल होता है। तो अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आरपीएम जो है वो है, तो नंबर ऑफ 60 सेकंड में इतने चक्कर घूमेगा ये, तो एक सेकंड में कितना चक्कर घूमेगा, एक सेकंड में घूमेगा आरपीएम इंटू टू पाई बाई 60। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी ये बराबर हो जाएगा आरपीएम इंटू पाई बाई 30, ये ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा जो होगा वो आरपीएम इंटू पाई बाई 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा जो आएगा वो रेडियन पर सेकंड में आएगा। भाई ये 60 सेकंड में था, तो एक सेकंड में जितना एंगल घूमता है उसी को ओमेगा कहते हैं ना। ओमेगा एक सेकंड में घूमने वाला एंगल है। तो जैसे कभी आपको आरपीएम दिया हो तो उससे ओमेगा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आरपीएम दिया है तो ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन के अंदर आरपीएम दे देते हैं, तो आरपीएम दे देते हैं तो आरपीएम भी ओमेगा ही है। ऐसा नहीं कि आरपीएम एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, लेकिन उसका यूनिट अलग है, चक्कर प्रति मिनट, रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो उसको अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा जो होगा वो आरपीएम इंटू पाई बाई 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ओमेगा को अलग अलग, एक आरपीएस भी होता है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड लिख देता हूं मैं, कई बार आरपीएस बोलते हैं रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड आरपीएस, ठीक है। एक सेकंड में मान लेते हैं एक सेकंड में इतने चक्कर हो रहे हैं, आरपीएस का मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो एक सेकंड में इतने चक्कर हो रहे हैं, तो एक सेकंड में एंगल कितना घूमेगा, एक सेकंड में जो एंगल घूमेगा वो घूमेगा आरपीएस इंटू टू पाई, और एक सेकंड में जो एंगल घूमता है उसी को ओमेगा कहते हैं। तो अगर रेडियन पर सेकंड में आपको ओमेगा चाहिए तो रेडियन पर सेकंड में ओमेगा जो होगा वो आरपीएस इंटू टू पाई होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। आरपीएम आरपीएस क्या होता है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब कुछ ओमेगा के बारे में और बातें करेंगे। ये ओमेगा की जो डेफिनेशन आपको बताई इस पे बेस्ड एक सवाल मैं लेके आया हूं, ये सवाल देखिएगा आप लोग, एकदम रियल लाइफ असली जिंदगी में सवाल है। ये घड़ी है और इस घड़ी की खास बात है कि इसमें अभी फिलहाल ठीक 12 बज रहे हैं, ठीक 12 बज रहे हैं। 12 बजे की खास बात क्या होती है, एक तो होती ही है जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, दूसरी बात होती है 12 बजे की कि घड़ी के तीनों कांटे एक साथ रहते हैं, तीनों कांटे एक साथ आ जाते हैं। ऐसे तरह तरह के लोग चुटकुले भी बनाते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। 12 o'clock का मतलब घड़ी का मिनट वाला है और आप मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड तीनों एक साथ आ गए, ठीक है। फिलहाल अब उसके बाद एक इसके अंदर जो सवाल है वो ये है, फाइंड द मिनिमम टाइम, फाइंड द मिनिमम टाइम टाइम इन विच, फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच मिनिट हैंड, मिनिमम टाइम इन विच मिनिट हैंड एंड सेकेंड हैंड विल बी एट द सेम प्लेस। फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच द मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड विल बी एट द सेम प्लेस। वो कम से कम समय बताएं जिसके अंदर मिनट वाला कांटा और सेकेंड वाला कांटा दोनों फिर से एक ही जगह पर आ जाएंगे। पॉज लेंगे 3 मिनट का, उसके बाद देखेंगे आर एस सर का सोल्यूशन। स्टार्ट करता हूं मैं सोल्यूशन इसका। अभी फिलहाल तीनों कांटे एक ही जगह पर हैं और फिर से जब दोबारा एक ही जगह पे उनको आना होगा तो जैसे सेकंड वाला तो बहुत तेजी से चलता है, मिनट वाला धीरे धीरे चलता है। तो मान लेता हूं कि मैं चलते चलते सेकंड वाला तो सबसे आगे निकल जाएगा और मिनट वाला धीरे धीरे चल रहा होगा, तो चलते चलते मैं मान ले रहा हूं कि जो मिनट वाला कांटा है वो थीटा एम चल चुका है। थीटा एम का मतलब एम फॉर मिनट। तो मिनट वाला थीटा एम चल चुका है, तो इस दौरान जो सेकंड वाला होगा वो पूरा एक चक्कर काट के फिर यहीं पे आ चुका होगा। तो इस दौरान जो सेकंड वाला कांटा होगा थीटा सेकंड, वो बराबर होगा 2 पाई प्लस थीटा मिनट, तभी एक जगह पे आएंगे। सेकंड वाला तो फट से आगे निकल जाएगा, आगे निकल के और घूम करके वापस आने की तैयारी कर रहा होगा, तब तक मिनट वाला ऐसे धीरे धीरे चल रहा होगा, तब तक सेकंड वाला 2 पाई एंगल घूम के थीटा एम और आ जाएगा, तब दोनों फिर से एक जगह पे आ जाएंगे। तो थीटा सेकंड जो होगा वो होगा 2 पाई प्लस थीटा एम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ओमेगा एस इनटू टी इज इक्वल टू 2 पाई प्लस ओमेगा एम इनटू टी।
ओमेगा एम का मतलब मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा एस किसके बराबर होगा, ओमेगा एस होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन सॉरी सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 सेकेंड या एक मिनट होता है, मान लेते हैं सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड एक मिनट होता है और मिनट हैंड का टाइम पीरियड 60 मिनट होता है। ये हो जाएगा ओमेगा जो है सेकेंड हैंड का, ओमेगा होता है 2π/T, तो सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड एक मिनट होता है, आंसर में मिनट में निकालूंगा, और मिनट हैंड का होता है 60 मिनट तो 2π/60 पूरे का पूरे पूरे से 2π तो कट जाएगा, और 2π अगर कट जाएगा तो अब देखिए यहाँ के बजाय यहाँ जो जगह बची हुई यहाँ मैं लिख देता हूँ, 2π कट जाएगा तो ये 2π कट गया तो ये टी इज इक्वल हो जाएगा 1+t/60, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी t-t/60 59/60, तो टाइम जो आएगा आ जाएगा 60/59 मिनट्स। इतने टाइम के बाद मिनट वाला और सेकंड वाला कांटा जो है दोबारा एक ही जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ जैसे मैं क्लास में इस क्वेश्चन को जब कराता हूं तो बच्चे क्या बोलते हैं, छूटते ही बोल देते हैं एक मिनट, छूटते इसका आंसर एक मिनट बोल देते हैं, लेकिन एक मिनट नहीं होगा क्योंकि एक मिनट में सेकंड वाला कांटा तो यहां पहुंच जाएगा लेकिन मिनट वाला यहां थोड़ी रहेगा, मिनट वाला थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ना, तो आंसर जो होगा वो एक मिनट से ज्यादा होगा, जैसे होता है ना कि भाई तुरंत बता दें तो अंदाजा तो ये कि एक मिनट में सेकंड वाला कांटा घूम के वहीं आ जाएगा, लेकिन अब मिनट वाला वहां नहीं रह जाएगा, मिनट वाला तब तक थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, तो आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करके देखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और रिजल्ट आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है जिसका बड़ा इस्तेमाल होता है, वो ये है कि वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिले, वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं, लीनियर का मतलब जोर देने के लिए कि एंगुलर नहीं है, तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप। तो पहली बात तो मैंने आपको उस समय भी बोला था, इस समय भी बता दूं कि भाई ओमेगा जो है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में डिफाइन नहीं होता, हर जगह ओमेगा डिफाइन किया जाता है, ओमेगा की जो डेफिनेशन है वो हर जगह बनती है, सर्कुलर में भी ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर मोशन में भी ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मैं यहां निकालने जा रहा हूं, देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, यानी यहां से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, एक पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है, और ओपी जो डिस्टेंस है इसी को, इसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं, रेडियस वेक्टर बोलते हैं या पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा वी पैरेलल, और ये वाला जो आ जाएगा वी परपेंडिकुलर, जहां पर वी पैरेलल में बोलूंगा वी कॉस थीटा और वी परपेंडिकुलर में बोलूंगा वी साइन थीटा। वी परपेंडिकुलर का मतलब पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर ये होगा ना, तो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर है और पोजीशन वेक्टर के अलोंग वाली वेलोसिटी वी पैरेलल है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो वी पैरेलल है, ये जो वी पैरेलल है इसके कारण तो ये ऐसे जा रहा होगा, पार्टिकल सीधे जा रहा होगा, अगर वी पैरेलल का रूल देखें तो वी पैरेलल के कारण इसमें कोई रोटेशन तो होगा नहीं, ओमेगा जो आता है वो रोटेशन के कारण आता है, रेडियस वेक्टर के रोटेशन के कारण, तो ये जो वी पैरेलल है इसको रोटेट नहीं करा रहा है, वी पैरेलल तो बस इसका इसकी लंबाई बढ़ा रहा है, तो वी पैरेलल के कारण तो कोई ओमेगा आएगा नहीं, जो भी ओमेगा आएगा वो वी परपेंडिकुलर के कारण आएगा। मैं छोटा सा टाइम डीटी ले लेता हूं, छोटा सा एक डीटी टाइम ले लिया मैंने, और उस डीटी टाइम में जैसे जो मान लेता हूं मैं कि पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, ये v पैरेलल का ओमेगा में कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ v परपेंडिकुलर का रोल होगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगी dt टाइम में ये आ जाएगी v परपेंडिकुलर इनटू dt, यहां डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v परपेंडिकुलर और टाइम dt ले लिया तो, और मैं मान लेता हूं कि इस दौरान ये जो एंगल रोटेट कर गया ये d थीटा रोटेट कर गया, तो अब मैं जानता हूं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर की वैल्यू जो आएगी जो आर्क लेंथ आएगा वह जाएगा वी परपेंडिकुलर इनटू डीटी, और रेडियस जो है मैं आर मान ले रहा हूं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो डी थीटा अपॉन डीटी जो है ये है वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, डी थीटा अपॉन डीटी जो है वी परपेंडिकुलर अपॉन है, और डी थीटा अपॉन डीटी किसके बराबर होगा,
ओमेगा के बराबर हो जाएगा। डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा की डेफिनेशन है ना, तो डी थीटा अपॉन डी टी वी परपेंडिकुलर अपॉन आर हो जाएगा। या एक मिनट, या हाँ बिल्कुल, डी थीटा अपॉन डी टी वी परपेंडिकुलर अपॉन आर हो गया, या ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर हो जाएगा। यानी जब आपको ओमेगा निकालना है तो जो रेडियस के अलोंग वाली वेलोसिटी है उसके कारण कोई भी ओमेगा नहीं आएगा। हाँ, इसके कारण इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ओपी जो वेक्टर है इसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन एंगल तो ये स्वीप आउट इसी के कारण करेगा। तो जब भी हम ओमेगा निकालते हैं तो जो रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है वही लेते हैं, रेडियस के अलोंग वाली वेलोसिटी कंसिडर नहीं करी जाती है। ठीक है, अब इस ओमेगा का डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आप उंगलियों को घुमाओ तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस केस में ओमेगा इनवर्ड जाएगा। कई बार आप आउटवर्ड भी होता, अगर मान लो ऐसे चल रहा होता पार्टिकल इस तरह से उंगलियां ऐसे घुमाते अंगूठा बाहर भी आ सकता था, तो फिलहाल इस केस में अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है तो ओमेगा जो होता है वी परपेंडिकुलर अपॉन आर के बराबर होता है। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है सर्कुलर मोशन, ये तो ओमेगा की जनरल डेफिनेशन हो गई, जो है सर्कुलर मोशन हो चाहे जो मोशन हो सब जगह लगेगी। अब सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा, जैसे पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का रेडियस मैंने आर मान लिया, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी इस तरह से होती है, तो यहां पर इधर तो कोई वेलोसिटी होती ही नहीं है। सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल करेगा तो सर्कल में घूमेगा तो सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियली होगी, यानी कि रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी नहीं। तो सर्कुलर मोशन में वी परपेंडिकुलर, वी दोनों बराबर होते हैं, तो सर्कुलर मोशन के लिए वी अपॉन आर ओमेगा हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। सर्कुलर मोशन में वी ओमेगा आर होगा और बाकी और मोशन में वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सारी की सारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होती है, इधर कोई वेलोसिटी होती ही नहीं, तो सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए एक सवाल, ये सवाल जो है इसके अंदर हम आपको वही वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल यहां पर है और ये डिस्टेंस जो है ये तीन के बराबर है, तीन यूनिट है, और ये पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ऐसे 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, टी बराबर 0 पे यहां था, ये एकदम शुरुआत में यहां पे था और ऐसे जा रहा है। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, फाइंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो अगर हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास जो रूल है, एक लाइन का सवाल है, हमारे पास जो रूल है वो ये है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। शुरुआत में देखें सारी की सारी वेलोसिटी आर, अगर ओरिजिन है तो ये पोजीशन वेक्टर आर ये हो जाएगा, तो सारी की सारी वेलोसिटी शुरू में परपेंडिकुलर ही थी, इधर तो वेलोसिटी का, तो सारी की सारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही थी, तो वी परपेंडिकुलर हो गया 4, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो ओमेगा हो जाएगा 4/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसी के अंदर अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 2 मिनट का पॉज ले लो, फिर आरएस सर का सोल्यूशन देख लो। एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो देखिए t इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, अब t इज इक्वल टू 1 पर जैसे जा रहा है मैंने 1 सेकेंड में ये कितना चल जाएगा, 4 मीटर चल जाएगा, 3 मीटर ये पहले से ही चल चुका है, और वेलोसिटी इसकी कुछ ऐसे हो जाएगी, 4 इधर होगी और ये जो डिस्टेंस होगी ये 3 था ये 4 था, तो ये डिस्टेंस 5 हो जाएगी। अब जब हम ओमेगा लिखते हैं ना तो ओमेगा की जो डेफिनेशन है वो तो यही है ना, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ये ओमेगा की डेफिनेशन है। तो वी परपेंडिकुलर अपॉन आर के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे ये वाला एंगल मैं देखता हूं, ये वाला एंगल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 3 है और ये 4 है, तो ये एंगल आ जाएगा 37 डिग्री, टाइम 37 होता है 3/4,
ये तीन यूनिट है और ये चार यूनिट है, तो टाइम थीटा 3/4 हो जाएगा, तो थीटा 37 हो जाएगा, ये 37 होगा तो ये भी 37। अब जो वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट हम लेते हैं, एक तो वी पैरेलल होता है जो कि इधर आ जाता है, ये हो जाएगा 4 cos 37, और एक वी परपेंडिकुलर होगा, ये आएगा 4 sin 37। जब हम ओमेगा निकालते हैं तो वी परपेंडिकुलर अपॉन आर होता है, तो वेलोसिटी का रेडियस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा 4 sin 37, तो ये हो जाएगा 4 sin 37, और रेडियस तब तक बढ़ के 5 हो चुका है, तो ये हो जाएगा 12/25 रेडियंस पर सेकेंड, 12/25 रेडियंस पर सेकेंड हो जाएगा। मेरे ख्याल से गलत ही आया होगा आपका, लेकिन कुछ लोगों का सही भी आया होगा। तो खैर ओमेगा की वैल्यू 12/25 रेडियन पर सेकंड। अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पर जो ओमेगा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस दिशा में होगा ओमेगा, तो ओमेगा का डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। भाई वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो यहां पर ओमेगा का डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ओमेगा का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी ओमेगा से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ओमेगा से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस में एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ये आते हैं, जरा देखिएगा। एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी, ए जा रहा है बी वेलोसिटी से, 2v से जा रहा है, और बी जो है वो बी से जा रहा है, ठीक है। दोनों वेलोसिटीज पैरेलल हैं, और ये जो दूरी ए बी है ये स्मॉल एल के बराबर दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फाइंड ओमेगा ए बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड ओमेगा ए बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओमेगा ए बी की वैल्यू बताएं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर हमें ओमेगा ए बी की वैल्यू पूछी गई है तो इसमें सबसे पहले हम यही देखेंगे भाई, ओमेगा ए बी का मतलब हुआ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं उसको सेंटर मानेंगे, तो बी को हम सेंटर मान लेंगे। अगर हम बी को सेंटर मान लेंगे, ठीक है, तो बी को सेंटर मान करके अगर मैं दोबारा से यही फिगर बनाऊं, तो बी को सेंटर मान के जब दोबारा ये फिगर बनाऊंगा, मैं यही बना लेता हूं, तो बी तो रुक जाएगा, और बी के रिलेटिव जो बी की वेलोसिटी उल्टी होकर जब ए को मिलेगी, यानी इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो ए के पास जो वेलोसिटी बचेगी वो सिर्फ बी बचेगी, और बी रुक जाएगा। अगर बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो बी की वेलोसिटी उल्टी होकर उसको मिल जाएगी, तो ये 2v माइनस वी जो है वी हो जाएगा, और ये दूरी तो एल के बराबर ही है, तो इस केस में ओमेगा ए बी जो आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी ये वी बाई एल हो जाएगी। डायरेक्शन भी पूछा है, तो डायरेक्शन पूछा है तो जो वेलोसिटी इधर है ना, तो इसके डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करें तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो ओमेगा ए बी जो आएगा उसकी वैल्यू तो वी बाई एल आएगी और डायरेक्शन इनवर्स हो जाएगा। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ए की निकालना चाहता हूं बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को सेंटर मान लेंगे, और बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी जो है वो 2v माइनस बी यानी वी हो जाएगी। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये खुद रुक जाएगा और इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, तो ओमेगा ए बी वी बाई एल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा सवाल इसी क्वेश्चन पर, एक और छोटा सा सवाल बहुत बढ़िया सवाल बनता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक सेकेंड आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो अब इसी के अंदर सेम, चूंकि सेम कंसेप्ट है, इसी के अंदर सवाल ये आ रहा है, ये 2v है और ये v है, ये a है, ये b है, डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं है, डेटा वही है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, क्वेश्चन है फाइंड ओमेगा बी ए इन मैग्नीट्यूड, फाइंड ओमेगा बी ए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओमेगा बी ए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओमेगा बी ए की वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ओमेगा बी ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब अगर हम ओमेगा बी ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है,
तो ओमेगा बी ए की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ए को रेस्ट पे कर देंगे, ए को रेस्ट पे कर देंगे और ए की वेलोसिटी उल्टी करके हम बी को दे देंगे। तो जैसे ए को हमने रेस्ट पे किया, इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसको दे दी, तो वी माइनस टू वी माइनस भी हो जाएगा, तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा और ये वी वेलोसिटी से इधर जाने लगेगा। ठीक है भाई, ए के रिलेटिव देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी उल्टी होगी, इसको मिल रही ऐसे थी, पलट जाएगी इधर मिल जाएगी, तो टू वी माइनस वी, तो वी इधर हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी देखिए परपेंडिकुलर ही है, तो हमें अगर निकालना है ओमेगा बी ए, तो ये वी परपेंडिकुलर अपॉन आर होगा, वी परपेंडिकुलर तो वी ही है और आर किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो ओमेगा बी ए जो है वो वी बाई एल के बराबर हो जाएगा। आइएगा होगा आपका भी आगे होगा, ओमेगा बी ए वी बाई एल के बराबर होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाते हैं, तो डायरेक्शन में वेलोसिटी जब उंगलियों घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अगर अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी इनवर्ड्स होगा। ठीक है नहीं जब हो रहा है, देखो हजम करना पड़ेगा आपको, जब आप वेलोसिटी पढ़ते थे, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए। यहां भी आपने यही सोचा होगा कि ओमेगा ए बी विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा बी ए, लेकिन ध्यान से देखो ओमेगा ए बी का डायरेक्शन भी वही आ रहा है और ओमेगा बी ए का डायरेक्शन भी वही आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, यानी कि वी ए बी माइनस वी बी ए के बराबर होगा, लेकिन ओमेगा ए बी और ओमेगा बी ए दोनों बराबर होंगे। तो इस चीज को एक जानकारी के तौर पर आप याद रखें, ओमेगा ए बी इज इक्वल टू ओमेगा बी ए, ये वेक्टर लगा दिया मैंने ये बताने के लिए कि ओमेगा ए बी और ओमेगा बी ए वैल्यू में तो सेम होते ही हैं, वैल्यू में तो रिलेटिव वेलोसिटी में भी सेम हुआ करते थे, लेकिन डायरेक्शन में भी सेम होते हैं। ओमेगा ए बी और ओमेगा बी ए जो हैं ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब अगर ओमेगा ए बी इनवर्ड आ रहा है तो ओमेगा बी ए भी इनवर्ड ही आएगा, ओमेगा ए बी और ओमेगा बी ए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। देखिए एक और सवाल बड़ा बढ़िया ला रहा हूं, इसको देखिए और सवाल का मजा लूटिए। सवाल क्या है, मतलब सच में मजा लूटने वाला सवाल है, ये बड़ा मजेदार सवाल है, एक डिस्क है, आगे जब रोटेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ओमेगा की डेफिनेशन से ही इस सवाल को समझ सकते हैं। एक डिस्क है, ये डिस्क जो है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, डिस्क जो है सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और डिस्क पे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट का नाम ए बोल दिया मैंने, इसका बी बोल दिया, और ये जो दूरी ओए है ये आर वन के बराबर है और जो दूरी ओबी है ये आर टू के बराबर है। डिस्क ओमेगा के से घूम रही है और ओए डिस्टेंस आर वन के बराबर है, ओबी डिस्टेंस आर टू के बराबर है। अभी क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इज, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इज ओमेगा नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इज ओमेगा नॉट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A. Angular velocity of disk with respect to center is omega naught. Find the angular velocity of B with respect to A. Find the angular velocity of B with respect to A. B की angular velocity A के respect में, ठीक है? Find the angular velocity of B with respect to A. अब हमें B की एंगुलर वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है? जो B है उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमको A के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप पॉज लेंगे दो मिनट का, सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो अगर मुझे A के रिस्पेक्ट में B की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले मैं A और B की वेलोसिटी निकालूंगा। पहले देखें भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, चूंकि डिस्क सर्कल में घूम रही तो हर पार्ट इसका सर्कल में घूम रहा होगा, तो जो ए की वेलोसिटी होगी, ए की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम बोले तो वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा ओमेगा आर वन, वी बराबर ओमेगा आर होता है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर वन है, तो ए की वेलोसिटी होगी ओमेगा आर वन और बी की जो वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा आर टू। तो अगर ए की वेलोसिटी में देखो तो ओमेगा आर वन हो गई और बी की वेलोसिटी ओमेगा आर टू हो गई,
ऑब्वियसली ओमेगा आर टू बड़ा होगा क्योंकि आर टू बड़ा है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये आर टू माइनस आर वन हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ओमेगा बी अगर एंगुलर वेलोसिटी बी की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमें ए को रोकना पड़ेगा। अगर मैं ए को रोक दूं, ए खुद तो रुक जाएगा लेकिन अपनी वेलोसिटी उल्टी होकर के इसको दे देगा, तो अगर इसकी वेलोसिटी इसको उल्टी होकर मिलेगी तो इसके पास वेलोसिटी क्या बचेगी, ओमेगा आर टू माइनस आर वन, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ए रुक गया है लेकिन रुकने के पहले इसने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके इसको दे दी, तो अब ओमेगा बी ए का जो मतलब आएगा, ओमेगा बी ए होता है वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो वी परपेंडिकुलर यानी ये सेंटर ये हो गया, ये रेडियस हो गया, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आर टू माइनस आर वन, और आर ए से बी की दूरी कितनी आ जाएगी, ये भी आर टू माइनस आर वन है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट ही आ जाएगा, ये ओमेगा नॉट था, ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट ही आ जाएगा, तो बी का ए के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा नॉट ही आ जाएगी, मतलब बी की ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी, सेंटर के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी आई वही बी की ए के रिस्पेक्ट में आएगी, वही ए की बी के रिस्पेक्ट में आएगी, वही सी की, सबकी सेम आ जाएगी। जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे तो और बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल बी की ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट आ जाएगी, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था ओमेगा ए बी भी उतना ही होता है जितना ओमेगा बी ए होता है, ठीक है, तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। छोटा सा एक और सवाल, ओमेगा बी ए ओमेगा नॉट आ जाएगा यहां पर, और मैं लिख दे रहा हूं कि ओमेगा ए बी जो आएगा वो भी ओमेगा नॉट ही आएगा, और डायरेक्शन क्या होगा जरा देखना, अगर मैं उंगलियां घुमाऊं वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो बाहर की तरफ, तो यहां ओमेगा बी ए भी बाहर की तरफ आएगा, बाहर का तो मतलब गोला बना के डॉट बना देते हैं, अंदर का मतलब गोला बना के क्रॉस, तो ये भी बाहर की तरफ ही आएगा। ओमेगा ए बी और ओमेगा बी ए सेम होते हैं ना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में, तो ये इस तरह से हो जाएगा। एक और सवाल, छोटा सा सवाल है, ये सर्कल का सेंटर जिसे हम सी कह रहे हैं और ये कोई पॉइंट ए है और कोई पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, फिलहाल मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर है, इस जगह पर है, तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर C is omega naught. Angular velocity of particle with respect to center C is omega naught. Find the angular velocity. Find the angular velocity with respect to point A. Angular velocity of particle with respect to center C is omega naught. Find the angular velocity with respect to point A. तो ये जो पार्टिकल था, मान लेते हैं पार्टिकल को P बोल देते हैं, तो इसकी सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, तो पॉइंट A के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, पॉज लें दो मिनट का, फिर उसके बाद आर एस सर का सोल्यूशन देखें। है सवाल ये बड़ा बढ़िया लेकिन है बड़ा छोटा भी। जैसे मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल जैसे सपोज करो यहां कभी ना कभी रहा होगा, यहां पर टी बराबर जीरो मान लिए, यहां से यहां पहुंचा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये थीटा बाई टू हो जाता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। वैसे भी देखो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इन दोनों का जोड़ थीटा है, तो ये भी थीटा बाई टू होगा, ये भी थीटा बाई टू होगा, तो ये थीटा बाई टू हो गया, यानी कि जितने सेंटर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जितने टाइम में ये थीटा एंगल चल रहा है उतने टाइम में ये थीटा बाई टू चल रहा है, टाइम तो सेम है लेकिन एंगल आधा हो गया, तो टाइम अगर सेम है और एंगल आधा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी भी आधी हो जाएगी, तो ए के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा नॉट बाई टू आ जाएगी। फिर से समझिए, जितने टाइम में यहां से देखने पे वो एंगल थीटा रोटेट किया है उतने टाइम में यहां से देखने पे थीटा बाई टू रोटेट कर गया, ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डीटी, डीटी तो सेम है लेकिन डी थीटा एक केस में थीटा नॉट के बराबर है, दूसरे केस में थीटा बाई टू के मतलब थीटा के बराबर है, दूसरे केस में थीटा बाई टू के बराबर है, टाइम सेम है एंगल आधा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी भी आधी होगी, तो ए के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट बाई टू के बराबर हो जाएगी।